रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे जेई एग्जाम में आज से 5 दिन बाकी है, यानी 17 तारीख हो चुका है और 22 तारीख से आपका पेपर है। इसमें आपको ट्रैवल भी करके जाना है। तो चलिए, यहाँ पे जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस की प्रश्न चल रहा था, तो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी प्रश्न चल रहा है, जिसका टेस्ट सीरीज नंबर 19 है और आपके साथ प्रश्न संख्या 422 से लेकर 450 तक आएंगे, यानी जीए और जीएस जो पहले रेलवे में पूछा गया है वो 450 प्रश्न आज पूरा होने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सारे प्रश्न लिए गए हैं, तो अभी तक हम LPCBT 1 की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो प्रश्न है आपके साथ LPCBT 2 2019 जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है, जनवरी फरवरी जो भी कह सकते हैं, उसकी सारी पेपर का है, जनवरी वाले का, मतलब 2019 कह सकते हैं डायरेक्टली रूप से। और LPCBT 2 में आप जानते थे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के अलग से टॉपिक दिया हुआ था, जिसमें साइंस की प्रश्न बहुत सारे पूछे गए थे। कुछ लोगों ने बोला बहुत डिफिकल्ट प्रश्न था बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का, लेकिन जितने भी मैंने प्रश्न देखा डिफिकल्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, यानी कुछ प्रश्न फॉर्मूले पे थे, कुछ प्रश्न आपको कंसेप्ट पे करना था, कुछ प्रश्न बिल्कुल ईजी थे। तो ऐसा नहीं है, जेई में इसी लेवल का प्रश्न आता है, मैंने देखा भी है, कंसेप्ट बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग का यही है। तो चलिए, ये NTPC और जेई और ग्रुप डी वाले जो हैं उनके लिए चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए डायरेक्ट आते हैं, देखिएगा कितना आसान आसान सा प्रश्न है। लोग कहें डिफिकल्ट है, लेकिन ट्रिकी ज़रूर है, ट्रिकी तो आपको समझना पड़ेगा ट्रिक्स क्या है इसकी। तो सबसे पहला प्रश्न है बैक्टीरिया, यानी 422 नंबर प्रश्न है कि खोज किस वैज्ञानिक ने किया है। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, केवल नाम याद रहना चाहिए। पहला कह रहा है यूजिन गोल्डस्टाइन, एबी ल्यूएनहाक और जेम्स चैडविक और रॉबर्ट कोच। तो बैक्टीरिया किसके नाम से है, बैक्टीरिया का फादर ऑफ बैक्टीरिया किसको बोलते हैं, ल्यूएनहाक को बोलते हैं, तो राइट आंसर यहाँ बी होगा। चैडविक किसने जी ने किसको खोज किया है, तो न्यूट्रॉन की चैडविक खोज किया है, रॉबर्ट कोच टीका का खोज किए थे। तो यहाँ भी सारे चीज़ें एक एक टॉपिक ऐसे है, अगर आपने कहीं पढ़ा है तो प्रश्न का हल आप ही के पास है, आपको कहीं से नहीं ढूंढना है। तो आपने यहाँ पे आंसर क्या देना था, ए बी ल्यूएनहाक, फादर ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ 423 नंबर प्रश्न में 431 को भी मैंने यहाँ जोड़ दिया हूँ, क्योंकि एक प्रश्न में एक बार पावर पूछ दिया है पी और दूसरे में पूछ दिया है करंट निकालने के लिए एक ही प्रश्न का, जिसमें कह रहा है दो रेजिस्टेंस है R1 R2, एक का रेजिस्टेंस 2 ओम है, दूसरे का 6 ओम है, दोनों को सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो इन संयोजन में 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा जाता है, तो कितना करंट पहले पाता होगा और कितना पावर कंजम्पशन होगा, दोनों प्रश्न पूछ लिया है। यानी 23 में पावर पूछा हुआ है और 31 नंबर में करंट पूछा हुआ है, तो दोनों को एक साथ सोल्व करते हुए चलें तो अच्छा है। तो चलिए दोनों को थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखिए, पहले है R1 दिया हुआ है, पहले समझिएगा कंसेप्ट को, जो इलेक्ट्रिकल वाले हैं उनके लिए बहुत ईजी है, लेकिन जो कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल से नहीं है, साइंस में थोड़ा कम पढ़े हैं, उनके लिए डिफिकल्ट है। तो देखिए, दो रेजिस्टेंस कभी भी सीरीज में जुड़ता है तो कैसे हम लगाते हैं, बस इस टाइप से रेजिस्टेंस लगाते हैं, और ये कह रहा है कि ये इस रेजिस्टेंस का नाम R1 है, इसका नाम R2 है, पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है, दूसरे की 6 ओम है, और इसको एक बैटरी से जोड़ दिया है, किससे, बैटरी से जोड़ दिया है, और बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, 12 वोल्ट की है। अब बताना है कि सर्किट में पी कितना होगा और आई कितना होगा, दो प्रश्न है, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न थे क्या। तो सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस होता है तो जोड़ देते हैं, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, 6 + 2 = 8 ओम हो जाएगा, पावर दिया हुआ है आपका, बैटरी की वोल्टेज दी हुई है बी, तो ओम्स लॉ आप जानते ही है, बी बराबर IR होता है, लेकिन बी बराबर IR करेंगे तो आपकी क्या मिलेगी, आपका आई मिल जाएगा एक प्रश्न के लिए, लेकिन अगर इसको डायरेक्ट भी करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वाला फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो हम यहाँ आई निकालने के लिए पहले हमारा कितना प्रश्न है, 431 में और 423 में हमें पावर निकालना है, तो पावर निकालने के लिए आप डायरेक्ट इस फार्मूला को यूज करें, V² / R। ये प्रश्न बहुत बार काम आता है, ये सारे टॉपिक एक एक करके हमें कंसेप्ट देख लेना है। तो P = V² तो भी कितने हैं, 12 × 12 और R कितना हो गया है, 8, तो इसको अगर करेंगे 4 से 4 × 8 4 × 3 = 12 और 2 इसको करेंगे तो 6 × 3 = 18 वाट क्या करेगा,
पावर कंज्यूम करेगा, जो ऑप्शन आपके बने हुए हैं बी में राइट आंसर है। दूसरा प्रश्न इसी का पूछा हुआ है कि करंट आपको निकालना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बटा आर, तो भी कितनी है 12 और आर बराबर 8 है, तो इसको अगर डिवाइड कर देंगे तो 4 × 8 4 × 3 = 12 3/2 = 1.5 एम्पियर, यानी 431 नंबर का प्रश्न हमारा 1.5 एम्पियर हो जाएगा। तो बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं थे, ऐसे ऐसे प्रश्न ट्रिकी आपको करने पड़ेंगे जब कंपटीशन में जाएंगे, और ये प्रश्न बहुत डिफिकल्ट नहीं है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, तो दोनों का आंसर देख ले, पहले का पावर कितना है 18 वाट है और 431 नंबर का करंट 1.5 एम्पियर है। अब उसके बाद 424 नंबर प्रश्न को देखते हैं, देखते नहीं समझते हैं, समझते नहीं करते हैं। तो निम्नलिखित में कौन बेस यूनिट है, बेस यूनिट SI का नहीं है, नहीं बताना है कि कौन सी है, तो कितने बेस यूनिट है 7, लंबाई चौड़ाई से लेके जो भी इलेक्ट्रिसिटी में होता है बेस यूनिट 7 होते हैं। तो यहाँ देखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फ्रीक्वेंसी, लुमिनियस इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक करंट, ये बेस यूनिट है, बेस यूनिट है, बेस यूनिट है, फ्रीक्वेंसी कोई बेस यूनिट नहीं है, फ्रीक्वेंसी डिराइव यूनिट है, और फ्रीक्वेंसी नॉर्मली हम किसी की आवृत्ति नापने वाली की चीज़ को फ्रीक्वेंसी के टर्म में व्यक्त करते हैं, जो हमारा SI यूनिट में बेस यूनिट के नाम से रजिस्ट्री नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा आएगा आपके पास, बी आ जाएगा। तो चलिए इस प्रश्न का भी आसान हम ट्रिकी वे में किए, और अगर पूछ दिया जाए बेस यूनिट में तो MLT आप जानते ही है, लंबाई, मास, आपकी टाइम, उसके साथ साथ जो भी और 7 यूनिट है, यहाँ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी मिल गया, इलेक्ट्रिसिटी करंट मिल गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मिल गया, ये सारे क्या है बेस यूनिट में है। उसके बाद 415 नंबर कह रहा है, समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी और खाली स्थान किसके प्रभाव से होता है, बताना है। लोगों ने बोला बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, इस प्रश्न को हम कैसे कर पाएंगे, एग्जाम में ITI लेवल के लिए बहुत कठिन है। लेकिन अगर इसी प्रश्न को सीधा दे देता तो लोग सारे दोस्त लोग इस प्रश्न को सही करके आते। यहाँ दिया है कि समुद्र के जल घटना बढ़ना, अगर इसी को लिख देता आपको ज्वार भाटा, तो क्या किसी से प्रश्न नहीं होता, सब लोग प्रश्न करते हैं। तो इसी को बोलते हैं ट्रिकी, किसी प्रश्न को थोड़े से डिफिकल्ट बना देना, आपकी कंसंट्रेशन या समझने के लेयर को बढ़ाना। तो यहाँ ज्वार भाटा ही जनरली पूछ रहा है, तो ज्वार भाटा किसके कारण से होता है, सूर्य से होता है या चंद्रमा से होता है, तो पृथ्वी और चंद्रमा के प्रभाव से जो समुद्र की जल ऊपर यानी श्रृंग और नीचे की तरफ जो जाता है, तो श्रृंग और गर्त के रूप में ऊपर उछलने और नीचे जाने की क्रिया को ज्वार भाटा कहते हैं, और ये होता है चंद्रमा के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के कारण। तो कितनी आसान सी प्रश्न, तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो गया। तो कितने नंबर प्रश्न हम सोल्व कर चुके हैं, अभी 22 कर चुके, 23, 31, 24 और 25 कर चुके, 5 प्रश्न 5 मिनट। चलिए अगले, यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 426 नंबर है, कोणीय माप में 1 रेडियन का मान कितने डिग्री के बराबर लगभग होता है, वो बताना है। तो सिंपल सा प्रश्न है, बस याद होना चाहिए, ऑप्शन है आपके पास ए में 57.27, बी में 90, सी में आपका 65.27 और आपका डी में है 180 डिग्री, सबके ऊपर डिग्री लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे लगभग डिग्री में बताना है। तो एक कोणीय माप में 1 रेडियन, 1 रेडियन इक्वल टू 57.27 डिग्री होता है, ये याद रखिएगा ये प्रश्न सोल्व। उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे, अगला प्रश्न हमारे पास कितने नंबर है देखिएगा, 427 नंबर, अन कंप्यूटर के नुकसान पहुंचाने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को खाली स्थान कहा जाता है। एक ऐसा प्रोग्राम जो अपने कंप्यूटर नहीं दूसरे कंप्यूटर को नुकसान करता है, प्रोग्राम उस प्रोग्राम को क्या बोलते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या बोलते हैं। तो पहला कह रहा है सर्वर, दूसरा लैन, तीसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा मेलवेयर। तो सर्वर, लैन, ऑपरेटिंग सिस्टम तीनों नॉर्मल सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपका कंप्यूटर चलता है, लैन पे आपका नेटवर्क चल सकता है, और सर्वर से आपकी कनेक्ट होती है लैन या वैन दोनों। लेकिन मेलवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है यानी सिस्टम को ख़राब करने का काम करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका डी, तो मेल एयर। उसके बाद हमारे पास है प्रश्न संख्या 428,
428 नंबर प्रश्न में देखेंगे तो यहाँ है कि यदि किसी मानक इंजीनियरिंग आरेख में आरेख सीट यानी इंजीनियरिंग सीट की बात कर रहा है, कौन सी सीट की, इंजीनियरिंग सीट की बात किया जा रहा है, जिसकी चौड़ाई 841 mm है तो इसकी लंबाई mm में कितनी होगी वो बताना है इंजीनियरिंग ड्राइंग के सीट के साइड में। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है। चौड़ाई यानी विड्थ बराबर लेंथ गुना अंडर रूट 2 होता है लंबाई, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। कई बार ये प्रश्न LPCVT 1 में माप के रूप में पूछ दिया है और ये आपका पहले भी JEE 2014 में ये प्रश्न पूछ चुका है कि कितना गुना कितना होता है इंजीनियरिंग साइड का सीट A1 का, A0 का, A4 का, अलग अलग करके। तो यहाँ पे देखिए विड्थ दिया हुआ है, आपको लंबाई पता करना है। तो लंबाई में सॉरी यहाँ लंबाई बराबर क्या होता है, विड्थ गुना रूट 2 होता है, यहाँ से उल्टा हो गया है। तो L बराबर, यहाँ पे एक बार क्लियर करके लिख देता हूँ आपके लिए, तो L बराबर W गुना रूट 2, और रूट 2 के मान कितना होता है आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो कैलकुलेट कीजिएगा तो करीब करीब रूट 2 रूट 3 ऐसे ऐसे आता है। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात है दो चीज़ें, देखिए यहाँ पे 841 mm दिया हुआ है, इसको 1+ से आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीट का हमें याद है, डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, सी होता है 1189 गुना 8.41, ये सीट स्टैंडर्ड साइज है। तो ये आपका mm में दोनों साइज डिफरेंस है, तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं। अगर रूट 2 से कैलकुलेट करना चाहें या इसके जो सिंपल फार्मूला होता है उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास प्रश्न सॉल्व, उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास 429 नंबर है। बोला एक वस्तु का वेट कितना x है पृथ्वी पे, तो जब चंद्रमा पे ले जाया जाएगा तो वेट क्या होगा। तो चंद्रमा और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किस पे, भारत के या पृथ्वी के कहें, भारत नहीं पृथ्वी पे पूरा है, जिसमें विषुवत रेखा पे या भूमध्य रेखा पे या ध्रुव पे सब जगह अलग अलग गुरुत्वाकर्षण होता है। तो यहाँ पे अलग नहीं दिया हुआ है, एक कॉमन लेना है जो मैक्सिमम 9.8 मीटर पर सेकंड 8 होता है, इसको हम याद रखेंगे। अगर 9.8 पृथ्वी पे है तो चंद्रमा पे क्या होता है, इसका 1/6 होता है। तो 1/6 होगा तो पृथ्वी पे x है, तो चंद्रमा पे वेट इसका क्या होगा, उससे कम हो जाएगा। तो क्या होगा, लेस देन ऑफ एक्स, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो ये प्रश्न सोल्व हो गए 29 के बाद हम चलेंगे 30 नंबर अगले स्लाइड में। तो इस प्रश्न को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, तो एडजस्ट करने के बाद हाँ 430 नंबर प्रश्न देखिएगा। 430 नंबर प्रश्न कह रहा है यहाँ पे आपका, इसको कौन सा त्यौहार फसल पे आधारित है वो बताना है। पहला आपका यहाँ पे तीज है, दूसरा जन्माष्टमी है, तीसरा दीपावली है, चौथा ओणम है, इनमें से कौन से त्यौहार फसल के पकने या फसल को कटने से रिलेटेड होता है। तो सब लोग जानते हैं केरल का त्यौहार है, केरल के त्यौहार फसल के लिए मनाया जाता है और ये है ओणम। तो राइट आंसर आपका डी होगा, बिल्कुल सही सा जवाब। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, 432 नंबर कह रहा है फिर से इंजीनियरिंग ड्राइंग में, कह रहा है इंजीनियरिंग आरेख में अक्षर LH निम्नलिखित में किसको संकेत है, किसका संकेत है, किसको संकेत है वो बताना है। तो पहला कह रहा है लेवल हाइट, दूसरा कह रहा है लेफ्ट हैंड, तीसरा कह रहा है लिमिट ऑफ हाइट, और चौथा कह रहा है लो हीट। तो बताइए इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, LH लेफ्ट हैंड, तो राइट आंसर कौन सा है, बी। तो हमारे पास इसके भी प्रश्न सोल्व हो गए। अब एक प्रश्न न्यूमेरिकल जैसा है, न्यूमेरिकल ही है, जिसमें आपको सोल्व करना है कि 86 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, उसको डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्शन करेंगे तो कितना होगा। तो यहाँ पे आंसर तो डायरेक्ट हमें दिख रहा है, आंसर यहाँ पे होना चाहिए 30 डिग्री, जो यहाँ पे ए में हो सकता है या यहाँ पे 30 हो सकता है, ऑप्शन में 34 जो अगर लिखा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा एक 30 डिग्री होगा, लेकिन कैसे होगा, तो सी बाई 5 एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 स्टैंडर्ड फार्मूला। सी का मान कैलकुलेट करना है, एफ 86 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 86 माइनस 32 कर देंगे तो ये क्या आएगा, 8 में से 86 है, 6 में से या 4 और 5 में से 3 या 54, और 9 को बचा 6 से, और 6 का गुना 3 से,
तो 30 आ जाएगा, सी बराबर 30 डिग्री। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो राइट आंसर इसका मिल चुका है। अगले प्रश्न में हम बात करते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा है 434 नंबर। तो यहाँ देखिए 34 दो जगह हुआ है, 30 मानना है आपका, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्शन है। उसके बाद कह रहा है उस सामग्री को पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार उच्च गुणांक में होता है, बहुत तेजी से आयतन का विस्तार होना, पानी, पीतल, कांच और अल्कोहल। अल्कोहल किसमें ज़्यादा विस्तार होता है वो बताना है आपको यहाँ पे, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है क्योंकि अल्कोहल में विस्तार सबसे ज़्यादा होता है, तो इसकी आयतन विस्तार उच्च गुणांक में होता है। तो राइट आंसर डी है। उसके बाद 435 नंबर, प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर किस पेंटर का किया हुआ काम या पेंटर का नाम का क्या है, जिस ध्यान से एक बार देख लें, प्रसिद्ध पेंटिंग महिषासुर के पेंटर का नाम क्या है, महिषासुर पेंटिंग का नाम है, उसको बनाने वाला का नाम आपको बताना है 435 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ देखिए एम एफ हुसैन, राजा रवि वर्मा, तैयब मेहता और अमृता शेरगिल, इनमें से कौन से राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पे सी आंसर है, तैयब मेहता, तो राइट आंसर सी मिल गया। उसके बाद हमारे पास 436 नंबर भी कर ही ले यहाँ पे, कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड में तय करती है तो कार की औसत चाल किलोमीटर पर आवर में बताएं। कुछ लोगों ने इसको ध्यान बस गलती से प्रश्न क्या करते हैं, 400 डिवाइडेड बाई 20 हो गया, प्रश्न सोल्व हो गया जी, हमने सही कर दिया। कितने लिख देते हैं, 10 किलोमीटर पर आवर सेकंड। लेकिन ध्यान दीजिएगा ये छोटी सी बात है, जो कन्वर्सन आपको करना है किसको, पहले मीटर को क्या करना होगा किलोमीटर पर आवर में, और या टाइम को, जिसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं कर लीजिएगा, तभी ये प्रश्न का आंसर आएगा। तो हमें सेकंड में अगर टाइम दिया हुआ है तो हमें इसे कितने में निकालना पड़ेगा, इसे भी कन्वर्टन करना पड़ेगा, और कन्वर्सन करने के लिए हमें 400 मीटर को हम डायरेक्ट कर दें तो 400 मीटर डिवाइडेड बाई 20, तो 20 एक सेकंड में कितना हो जाएगा, यहाँ से 20 मीटर हो जाएगा, और 20 मीटर अगर हमारे पास आंसर है लेकिन इसको हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 18/5, फॉर्मूला जानते हैं ना, किलोमीटर में 18/5 और मीटर में करना हो तो 5/18, तो यहाँ पे 4 करेंगे तो 18×4 यानी 72 किलोमीटर पर आवर। तो राइट आंसर ए में आपको मिल गया, 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद अगले प्रश्न में हम चलते हैं, तो अगला प्रश्न इसमें इस स्लाइड के निचले भाग में है, तो 437 प्रश्न संख्या हमारा जो था 15 यूनिट द्वारा किया गया कार्य 3 है तो भार ज्ञात करना है। तो जानिएगा डब्लू को ज्ञात करने के लिए जितनी लंबाई है और जितनी फोर्स है वो दोनों को गुना कर दीजिए, लंबाई कितना दिया हुआ है 15 यूनिट, और 15 यूनिट मतलब प्रयास के टर्म में है यहाँ पे एफर्ट है, और उसके बाद जितनी फोर्स कार्य द्वारा लगाया गया है वो 3 यूनिट है, तो 15×3 यानी सीधा सीधा कहें तो 45 यूनिट इसका कार्य है। तो राइट में हमारा आंसर सी है। उसके बाद 438 नंबर प्रश्न, रियो ओलंपिक 2016, अब कुछ लोग कहते हैं करेंट अफेयर बिल्कुल कुछ दिन का पूछता है, कुछ लोग कहते हैं बहुत पुराना पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा अगर ओलंपिक है तो ओलंपिक 4 ईयर में होता है, तो पिछला ओलंपिक का डाटा आपसे पूछ लिया जा सकता है। उसी तरह कोई भी वर्ल्ड कप क्रिकेट हो रहा है वो 4 साल में होता है, तो उसकी 4 साल पहले वाली डाटा आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ है पूछा हुआ है 2016, क्योंकि अगला ओलंपिक 2020 में है, तो उसके 16 का ओलंपिक किसने, भारत ने कितने मेडल जीते थे, तो राइट आंसर यहाँ क्या था, 2 मेडल मात्र भारत को मिला था, और ये राइट आंसर यहाँ पे 2 है। उसके बाद एक प्रश्न और इसमें है, इसमें नीचे की तरफ आप देखेंगे, उस सामग्री को पहचाने जिसका आयतन विस्तार निम्न गुणांक होता है, यानी आयतन विस्तार गुणांक सबसे कम होता है उसको पहचानना है यहाँ पे। तो अभी हम ज़्यादा की बात किए थे तो ज़्यादा में अल्कोहल हमें मिला था, यहाँ कम का पूछ रहा है, तो आयरन है, अल्मोनियम है, पीतल है और पारा है, तो पारा के इसमें सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद अल्मोनियम का है, पीतल का है और सबसे कम लोहा का होता है। आयरन का प्रसार गुणांक कम होता है, आयतन प्रसार गुणांक, इसलिए यह कठोर भी होता है, तो कह सकते हैं कि राइट आंसर हमारा ए है। तो हमारे पास 439 नंबर तक सवाल हो चुके हैं, उसके बाद हमने अगले प्रश्न में जाना है, तो अगले प्रश्न में हम जा रहे हैं आपके साथ, अगले प्रश्न 440 नंबर,
एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा आपके लिए, सही भी व्यू दिखेगा। तो 440 नंबर प्रश्न में देखिएगा, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक गोलाकार तार जिसकी लंबाई एल दी हुई है और उसकी त्रिज्या आर है और रेजिस्टेंस आर शो कर रहा है, मतलब रेजिस्टेंस को आर बोलते हैं। दूसरा तार उसी धातु का बना हुआ है जिसकी लंबाई 3 गुना है और त्रिज्या या व्यास 1.3 है, तो रेजिस्टेंस कितना होगा ये बताना है। दोनों चीज़ हो गया, तो हम इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के टर्म में जानते ही है पी एल बाई ए, और ए भी क्या होता है पाई डी स्क्वायर बाई 4 कुछ ऐसा होता है ये टर्म। तो इसमें प्रश्न में कुछ गलतियां थी जिसके कारण से इस प्रश्न को एग्जाम से डिलीट कर दिया गया था, लेकिन आंसर दिख रहा है 27 आर होगा 3 के स्क्वायर 3 यानी 3 गुना 3 गुना 3 यानी 27 आर होना चाहिए प्रश्न के अनुसार, लेकिन इस प्रश्न को हटा दिया गया था क्योंकि लंबाई 3 गुना यहाँ दिया है। एरिया के टर्म में देखेंगे तो पाई डी स्क्वायर नीचे भी आएगा और ऊपर में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस हिसाब से ये 9 टाइम्स बढ़ना चाहिए, 3 के पावर 3 बढ़ना चाहिए था, लेकिन प्रश्न डिलीट था। तो इसको इस फॉर्मूला पर रख के आपको करना है सॉल्व। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं, 44 नंबर प्रश्न है, कह रहा है जैविक प्रक्रिया द्वारा विभाजित पदार्थों को क्या कहा जाता है, पुनः प्रयोजन, जैव गैर गैर जैव निम्नीकरण, जैव निम्नीकरण और गैर पुनः प्रयोजन, जैविक प्रक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आजकल के लिए एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो यहाँ पे क्या होगा जैव निम्नीकरण के द्वारा विभाजित प्रक्रिया को जैव प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, तो जैव निम्नी करण राइट आंसर है। 442 नंबर प्रश्न जो बार बार हजारों बार एग्जाम में आ चुके हैं, कुचिपुड़ी मूल रूप से किस राज्य का लोक नृत्य है, यहाँ लोक नृत्य नहीं लिखा हुआ है, कुचिपुड़ी को मूल किस राज्य से है वो बताना है, राज्य में है अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश, सब लोग जानते हैं। तो इस प्रश्न में टाइम लगाने से अंतर, आंध्र प्रदेश की लोक नृत्य क्या है, लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। उसके बाद 443 नंबर प्रश्न, ये बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, जीरो से स्टार्ट कर रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू क्या होगा व्हेन ए यानी त्वरण कांस्टेंट है, तो क्या होगा इसकी डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा, यू बराबर जीरो दिया हुआ है, ए हमेशा कांस्टेंट है तो इसकी डिस्प्लेसमेंट बराबर पूछ रहा है, एस बराबर क्या होगा वो बताना है। तो कुछ लोगों ने बेग बोल दिया, कुछ लोगों ने बोला था इसकी टाइम, और यहाँ दिया हुआ है टाइम स्क्वायर और कार्ज, तो कौन सा सही आंसर है वो आपको बताना है। तो हम जानते हैं इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए क्या चाहिए, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। अब यहाँ देखिए यू जीरो है और ए आपका कॉन्स्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किसके प्रोपोर्शनल होगा यानी टाइम के स्क्वायर के, ध्यान दीजिएगा u अगर 0 है तो ये u गुना t कीजिएगा तो ये टर्म हो जाएगा 0, और 0 हो गया तो इसको हम डिस्कार्ड करेंगे, और यहाँ a अगर 1 है 2 है फिक्स है तो जितने टाइम ज़्यादा चलेगा उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, तो t स्क्वायर राइट आंसर c है। तो प्रश्न आपका आंसर देख लीजिएगा टाइम स्क्वायर में। उसके बाद 444 नंबर है, ये सोर्स ऑफ वोल्टेज भी मेंटेन एन करेंट आई इन ए सर्किट, दी एनर्जी सप्लाई टू दी सर्किट बाई ए सोर्स ऑफ टाइम टी इज, क्या होगा, क्या क्या दिया हुआ है आपको, भी दिया हुआ है, आई दिया हुआ है और टी दिया हुआ है, इसकी फॉर्मूला आपको बताना है क्या होगा एनर्जी सप्लाई के लिए। 44 नंबर प्रश्न, भी डिवाइडेड बाई आई टी, भी डिवाइडेड बाई आई टी पहला कह रहा है, दूसरा कह रहा है 1/VIT, तीसरा कह रहा है VIT और चौथा कह रहा है VI/T, कौन सा आंसर राइट है वो आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल सा है, एनर्जी बराबर वोल्ट एनर्जी बराबर V×I×T, तो VIT राइट आंसर कौन सा है, सॉरी राइट आंसर सी है, एक बार मैं इसे डिस्कार्ड करके आपको लिख दूँ, VIT आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद 1945 यूनेस्को
का मुख्यालय कहाँ स्थित है। कई बार शहर के नाम पूछा जाता है, उसी में शहर का नाम है, पहले जिनेवा, दूसरा पेरिस, तीसरे नंबर पे वाशिंगटन और चौथे नंबर पे न्यूयॉर्क सिटी। वाशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क सिटी, पेरिस और जिनेवा, इसमें से कहाँ मुख्यालय है यूनेस्को का, और यूनेस्को आपका यून नेशन का समझ लीजिएगा, और राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो राइट आंसर कौन सा है, पेरिस में इसका मुख्यालय है। जनरली सबसे ज़्यादा मुख्यालय जिनेवा में होता है, लेकिन यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। तो राइट आंसर आपको मिल गया होगा। पांच प्रश्न और हैं, उसको भी लेके चलते हैं आपके साथ। तो पांच प्रश्न के लिए पहले हम 40 नंबर करना पड़ेगा। 40 नंबर आपका मैकेनिकल एडवांटेज और सिंपल मशीन से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न को आप देखिएगा तो कह रहा है वेलोसिटी रेशियो ऑफ सिंपल मशीन इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाई दी खाली स्थान टू दी डिस्टेंस ट्रेवल दी खाली स्थान इन दी मशीन। वेलोसिटी रेशियो VR क्या होता है, किसके किसके डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए होता है। तो सबसे पहले कौन सा आंसर है इसमें, आपको देखिए कैसे दिया हुआ है, पहले में लोड, दूसरे में लोड, तीसरे दूसरे ऑप्शन में देखिएगा लोड और एफर्ट, तीसरे में है लोड और एफर्ट और लोड, और चौथे में लोड और प्रयास। कौन सा होगा, यानी भार और प्रयास, भार भार, प्रयास प्रयास, प्रयास भार, कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। तो यहाँ देखिएगा हमारे पास क्या होता है, वेलोसिटी रेशियो बराबर एफर्ट बाई जितना एफर्ट करता है और उसके डिवाइडेड में क्या होता है, लोड होता है। तो एफर्ट मतलब प्रयास डिवाइडेड बाई भार, तो पहले में क्या आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रयास, और दूसरे में यहाँ क्या आ जाएगा, भार। तो राइट आंसर आपका प्रयास और भार, इस टर्म में सी आंसर है। उसके बाद अगले हम प्रश्न में चलेंगे, जो चार प्रश्न और हैं। तो चार प्रश्न में हम 47 नंबर से प्रश्न में देखेंगे। कह रहा है एक प्रश्न है जो अभी हम किलोमीटर और मीटर में बदले थे, उसी से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा प्रश्न अलग तरीके से है, जिसमें आप देखिएगा 47 नंबर कह रहा है कि एक मोटरसाइकिल 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 100 मीटर की दूरी तय करता है, तो दूरी करने के लिए क्या समय लेगा वो बताना है, टाइम बताना है। तो देखिए हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 1000 मीटर, ये किस में है, मीटर में है, और ये स्पीड दिया हुआ है किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर में, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो या मीटर को हम उसमें कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कन्वर्ट कर लीजिएगा उसके अनुसार से आपका प्रश्न निकल जाएगा। तो 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18, 18 × 36 और 5 को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मोटरसाइकिल चल रही है। अब डिस्टेंस कितना चला है, 1000 मीटर, तो टाइम कितना लेगा, तो 1000 / 10 यानी चलने में 1000 मीटर चलने के लिए 100 कितना सेकंड का समय लेगा, मीटर पर सेकंड। तो प्रश्न कैसा सोल्व हुआ, प्रश्न ऐसे सोल्व हुआ कि हम पहले एक प्रश्न को पहले एक यूनिट में बदल दिए और उसको टाइम में कन्वर्ट कर दिए, 36 × 5/18 सिंपल लाइन में लिखे हैं, तो 10 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे 1000 मीटर की डिस्टेंस तय किया है, तो एक सेकंड इसको पूरा करने में कितने टाइम लेगा, 100 सेकंड का। राइट आंसर हमारा ये है। तो ये प्रश्न हमारा 47 हो गया। उसके बाद 48 में चलते हैं। तो 48 नंबर प्रश्न को देखिएगा थोड़े ध्यान से, जिसमें कह रहा है पानी की निश्चित मात्रा का आयतन 0° से 4° के बीच खाली स्थान है, भरना है, शून्य होता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, कम होता है। तो 0° पे बर्फ और 0° पे पानी में आयतन का क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। 0° पे बर्फ में आयतन ज़्यादा लेता है और पानी में कम लेता है, यानी सिकुड़ता है पानी, क्योंकि 0° पे बर्फ अगर बन गया तो कई जगह उदाहरण सुने होंगे पानी की टंकी फट जाती है, पानी की नल फट जाती है, क्यों, क्योंकि 0° पानी से 0° बर्फ बदलने में आपकी आयतन बढ़ जाती है। तो यहाँ क्या हो रहा है, 0° से 4° के बीच में हो रहा है, लेकिन 4° ऐसा क्रिटिकल पॉइंट है टेम्परेचर के लिए पानी की दृष्टि से, जहाँ पानी का आयतन सबसे ज़्यादा होता है, क्या होता है, आयतन सबसे अधिक होता है। इससे कम में भी पानी का आयतन बढ़ता है, इससे ज़्यादा में भी पानी का आयतन बढ़ता है।
तो ये जीरो से चार की तरफ जा रहा है तो आयतन में क्या होगा, कमी होगा, तो आयतन की कमी के क्या कहते हैं, आयतन कम होगा। अगर चार से जीरो से चार की तरफ जा रहा है यानी जीरो पे आयतन ज़्यादा है और चार डिग्री पे आयतन कम है और इसके जगह ट्रेवल कर रहा है टेम्परेचर, तो चार डिग्री तक आते आते कम होगा। जैसे ही चार से छः सात आठ नौ दस जाएगा फिर से बढ़ना स्टार्ट होगा। यानी अगर कहें कि पानी के टेम्परेचर की बात किया जाए और आयतन में रिलेशन लिया जाए तो चार और ऊपर की तरफ सौ, नीचे की तरफ जीरो, तो इधर भी विस्तार होगा, इधर भी विस्तार होगा, इस पे घनत्व सबसे अधिक होता है। ये प्रश्न याद रखिएगा, कहीं भी प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारे पास अगले नंबर सवाल है प्रश्न, जिसको हम बोल रहे हैं 49। इस प्रश्न में भी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन सी थी जिसके कारण से इस प्रश्न को भी डिलीट कर दिया गया था, जिसमें आप देखेंगे कि लंबाई एल त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार का प्रतिरोध R है, उसी सामग्री की बनी दूसरी वायर 1/2 लंबाई और त्रिज्या कितनी है 1/2 है, प्रतिरोध कितना होगा, लंबाई 1/2 हो गया। तो देखिए सबसे पहले लंबाई हम क्या बोले थे, R बराबर पी रो एल बाई ए, तो यहाँ लंबाई क्या होना चाहिए, लंबाई क्या होना चाहिए, लंबाई क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, दुगुना बढ़ेगा, सबसे पहले बात। दूसरी बात, त्रिज्या के बात लिखा है, ये गलती है, बिल्कुल गलती है, क्योंकि त्रिज्या में जाएंगे तो पाई डी वाला प्रश्न निकलना पड़ेगा, यहाँ लिखना है इंग्लिश के प्रश्न में मैंने देखा तो क्रॉस सेक्शन एरिया लिखा हुआ था, क्रॉस सेक्शनल एरिया दुगुना है, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दुगुना हो गया, लंबाई आधी हो गई। ध्यान दीजिएगा, लंबाई आधी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दुगुनी है, तो लंबाई आधी में जो हो रही है क्या हो रहा है, आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होने के कारण से कम हो रहा है, यानी इक्वेशन बराबर है, दो बढ़ रहा है दो कम हो रहा है, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी वायर की रेजिस्टेंस आर ही रह जाएगी। तो इस प्रश्न का आंसर देखेंगे तो आपको आर एक आंसर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे त्रिज्या के जगह पे क्रॉस सेक्शनल एरिया होनी चाहिए थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया होनी चाहिए थी। वीडियो का अंतिम प्रश्न, तो वीडियो का अंतिम प्रश्न कह रहा है, दो प्रतिरोध 10 ओम 20 ओम सीरीज में जोड़ा जाता है, 30 वोल्ट बैटरी पे जोड़ने पे 10 ओम वाले प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप कितनी होगी, वो बताने है आपको वोल्टेज ड्रॉप के रूप में। तो इस सर्किट को आपको पहले सर्किट के रूप में अगर देखना है तो डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, आपको 10 ओम और 20 ओम कोई दो रेजिस्टेंस लगा के आप इस सर्किट को 30 वोल्ट की सप्लाई देते हैं, ये 10 ओम है, ये आपका रेजिस्टेंस 20 ओम है, तो पूरी रेजिस्टेंस को देखेंगे तो कितना हो जाएगा, सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज यानी सब आपके जुड़े हुए हैं, तो इसको कितनी हो जाएगी, 30 ओम हो जाएगा। तो भी बराबर आई आर से आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या मिलने वाला है, आई बराबर क्या मिलेगा, भी बटा आर, सॉरी आई बराबर भी इंटू आर, नहीं भी बराबर आई आर से हम खोजेंगे तो आपको क्या निकालना है, आई निकालना है तो भी बटा आर होगा, यहाँ पे भी बटा आर होगा, भी और आर दोनों बराबर हैं, कितने हैं 30 हैं, तो इसको आप डायरेक्ट लिख दें, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ एक बार, कि यहाँ रेजिस्टेंस अगर हमारा दी टोटल हो जा रहा है 30 ओम और यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है 30 वोल्ट, तो आई बराबर कितना हो जाना चाहिए, 1 एम्पियर, दोनों बराबर है, अगर 1 एम्पियर है तो पूछ रहा है कि 10 ओम वाले रेजिस्टेंस में कितनी वोल्टेज ड्रॉप होगी, तो वोल्टेज ड्रॉप बराबर क्या हो जाता है, आई इंटू आर, तो सर्किट में करंट इसमें 1 एम्पियर गुजरेगा और इसकी रेजिस्टेंस 10 ओम है तो वोल्टेज ड्रॉप भी 10 वोल्ट होगी, तो राइट आंसर हमारे कहाँ है, बी में है। उसी तरह 20 ओम में पूछ देता वोल्टेज ड्रॉप तो 20 वोल्ट हो जाता, क्योंकि सीरीज में करंट का बंटवारा किस आधार पे नहीं होता, जब आपकी सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा सीरीज में क्या डिवाइड होता है, आपकी वोल्टेज डिवाइड होती है, और पैरेलल में क्या डिवाइड होता है, करंट डिवाइड होता है। तो ये सारे टॉपिक है इलेक्ट्रिकल से टॉपिक है, लेकिन 10+2 में कैंडिडेट नहीं पढ़े हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि ये प्रश्न आपको आने ही आने हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी
जिसमें आपकी मोटर जनरेटर का बेसिक पार्ट भी आ सकता है यहाँ आपके जेई एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। तो यहाँ पे हमने 450 नंबर तक प्रश्न कर दिया है, लोगों का अट्रैक्शन कम होने के बावजूद भी इस प्रश्न को जारी रखा है। तो चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। ये हमारा टेस्ट सीरीज 19 समाप्त होता है, जो LPCVT 2019 से लिया हुआ प्रश्न था, और सारे प्रश्न एक प्लेलिस्ट में डाले जा रहे हैं जिसमें 450 तक कंप्लीट हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।